हेलो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन क्वेश्चन ट्वेल्थ क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में हमारे पास है सी एस थ्री सी एस टू एच प्लस में क्या हमारे पास एसो सी एल टू इन दोनों को हमने कंबाइन किया कंबाइन करने के बाद क्या अगर हमने इसे एनर्जी दे हीट करा तो आपने रिएक्शन बढ़ी होगी डार्जन रिएक्शन डार्जन रिएक्शन की कंडीशन फॉलो हो रही है इस रिएक्शन के अंदर तो देखो इसमें होगा क्या सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या एनर्जी जैसे भी हमने इसको दिया देने के बाद हुआ क्या बेटा यहाँ पे एसो so तो यहाँ से एस ओ यहां से और एक हो यहाँ से एस ओ यहाँ से और एक यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा बेटा एस ओ टू रिमूव हो गया पहले तो यहाँ से एस ओ और एक हो क्या होगा हो, 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 एस ओ टू उसके बाद क्या होगा बेटा एच यहाँ से और दो सी एल में से एक सी एल क्या रिमूव हो जाएगा बेटा एच सी एल भी रिमूव यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना आप एस ओ टू ओके एच और सी एल क्या होगा सी एल हुआ जो एक सी एल यहाँ पर है वो किस बॉन्ड से अटैच हो जाएगा इस बॉन्ड से आके ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सिंगल बॉन्ड जो बचा है वो किससे से ऐड हो जाएगा आके सी एल से ऐड हो जाएगा नाम क्या है इसका वन टू वन पर सी एल तो वन क्लोरो हो गया टू कार्बनों का नाम ईथ हो गया और सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया बन गया क्या वन किलोरोथिन ये रिएक्शन डार्जन रिएक्शन के नाम से भी आ सकती है यदि बाय बाइवी आ जाए डार्जन रिएक्शन के नाम से तो आपको यही रिएक्शन देनी है ओके मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट हो देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड रिएक्शन सी एस थ्री सी एस टू सी डबल ओ एच यानी कि प्रोपेन हो गया नाम है इसका पी सी एल फाइव से रिएक्शन करा जैसे कम्बाइंड होगा तो क्या होगा बिल्कुल ध्यान से बेटा करें स्टार्ट समझने की कोशिश करना कि पी सी एल फाइव जो होगा इसके अंदर होने वाला क्या है सबसे पहले पी सी एल फाइव को साफ ओपन कर लो आप जैसे हम हाँ ओपन करेंगे तो आप समझने की कोशिश करें एक सी एल ये ना सेकेंड सी एल थर्ड सी एल फोरथ सी एल और क्या होगा बेटा फाइव सी एल पाँच सी एल हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव हो गए कंबाइन करते तो, हो साथ ही क्या हुआ एच और सी एल पहले क्या रिमूव हो जाएगा बेटा एच सी एल रिमूव हो जाएगा क्या रिमूव हो जाएगा बेटा एच सी एल रिमूव होगा ऐसे इसके बाद समझने की कोशिश करना बेटा पी ओ सी एल थ्री रिमूव हो जाएगा पी दोनों बोंडों से आके एक ओ ऐड हो गया क्लियर है पी ओ सी एल थ्री रिमूव हो गया ऐसे पी ओ सी एल थ्री ओके मेरे प्यारे बच्चों जो बच्चा हुआ एक सी एल है वो इस बॉन्ड से आके ऐड हो जाएगा सी एस थ्री सी एस टू सी डबल बॉन्डो और सिंगल बॉन्ड से क्या आके ऐड हो जाएगा बेटा सी एल आके ऐड हो जाएगा ओके okay, मेरे प्यारे बच्चों आइए कहने का मतलब ये कि एक तो पी सी एल फाइव और एक एस ओ सी एल टू इनका एक ही काम होता है ओ एच को काय में कन्वर्ट कर देना सी एल में कन्वर्ट करना समझने की कोशिश करना एक तो हमारे पास एस ओ सी एल टू है और एक हमारे पास क्या है बेटा पी सी एल फाइव इन दोनों का एक ही काम होता है कि ओ एच ग्रुप के साथ जैसे भी कंबाइंड होते हैं तो ओ एच ग्रुप को काय में कन्वर्ट कर देते हैं बस ये सी एल में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको आप याद रखना बेटा अब हमारे पास थर्ड बाई रिएक्शन आती है थर्ड रिएक्शन को आप देखें सी एस थ्री ओ एच सी एस थ्री का नाम है मीथ सिंगल बोंड का नाम एन ओ एच का नाम ओल होगा मीथ एन ओल हो, हो गया पी सी एल फाइव से फिर रिएक्शन करेगा ओ OH एच का कन्वर्ट हो जाएगा सी एस थ्री सिंगल बोंड सी एल में कन्वर्ट हो गया अब कुछ रिमूव क्या हुआ है रिमूव करो या मत करो हमें उससे कोई मतलब नहीं है हमें मतलब है प्रोडक्ट से यदि आप रिमूव करना चाहते हैं तो जो कंडीशन ऊपर फॉलो हुई है इस रिएक्शन में वही कंडीशन से फॉलो हो जाएगी ओके मेरे प्यारे बच्चों अब आगे आइएगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड सी एस टू वन टू थ्री कार्बन तो प्रोप होगा डबल बॉन्ड का नाम ही होगा तो बनेगा गया प्रोप एच बी आर से रिएक्शन कराया हमने एनर्जी दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बेटा एच पे प्लस बी आर पर माइनस ये रिएक्शन आपने एलेवं कराते हैं पढ़ी होगी उसकी कंडीशन क्या है इस रिएक्शन का नाम है मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन कि जैसे भी किसी एच बी आर रिएक्टेंट की रिएक्शन कराते हैं डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ तो एच बी आर का एच प्लस आयन जो होता है डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाके ऐड होता है जिस पर एच के नंबर कैसे होते हैं बेटा हाइएस्ट होते हैं एच यहाँ पहुँच जाएगा तो बी आर कहाँ पहुँच जाएगा बेटा आगे पहुँच जाएगा मार्कोनी मार्कोनिकॉफ ने यही कहा था कि एच बी आर के एच प्लस आन जो होता है डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाके ऐड होता है इस पर एच के नंबर कैसे होते हैं बेटे ज़्यादा होते हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे यहाँ पे एच एच के नंबर कितने एच कितना यहाँ पे एक है और इसमें एच कितने बेटा दो है तो यानी कि एच प्लस जो होगा डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाकर ऐड होगा इस पर एच के नंबर ज़्यादा होंगे एच की संख्या ज़्यादा होगी एच यहाँ पहुँच जाएगा तो बी आर कहाँ पहुँच जाएगा आगे और क्या बन जाएगा देखते हैं बिल्कुल ध्यान से सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच बी आर जा कर आ गया एड हो गया बी आर यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड सी एच टू एक एच क्या होगा बेटा सी एस थ्री हो गया ओके तो यानी कि वन टू थ्री टू पर बी आर आ गया तो टू ब्रोमो थ्री कार्बनों का नाम प्रोप सिंगल बॉन्डो का नाम है तो टू ब्रोमो प्रोप बन गया अब ये रिएक्शन सेम कंडीशन नीचे है बिल्कुल ये रिएक्शन है बेटा एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन कौन सी रिएक्शन बच्चों एंटी मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन एंटी मार्कोनिक क्या कहती है कि जब डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन किसी एच बी आर रिएक्ट्रेंड से कराते हैं तो एच पे प्लस एर बी आर पर क्या है बेटा माइनस है डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एच बी आर का एच प्लस आयन जो होता है एच टू ओ टू के प्रजेंस में उसका डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाकर ऐड होता है जिस पर एच के नंबर कम होते हैं एच प्लस कहाँ पहुंच जाए सी एच के पास सिंगल बॉन्ड तो सी एस टू के पास कौन आ गया ऐड हो जाएगा बी आर ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ देख क्या होगा सी एस टू सिंगल बॉन्ड सी एस टू और इससे क्या ऐड हो जाएगा कि बी आर ऐड हो जाएगा नाम क्या बन जाएगा वन टू थ्री वन पर बी आर आगा तो वन ब्रोमो थ्री कार नाम हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्डो का नाम क्या हो जाएगा एन हो जाएगा वन ब्रोमो प्रोप बन जाएगा ओके बेटा इस रिएक्शन का नाम क्या है बेटा ये इस नेम से भी आती है मेरे प्यारे बच्चों जो इलेवंथ के बच्चे हुए वीडियो देख रहे हैं मेरी उसके लिए ये रिएक्शन जो आपको दिख रही है लास्ट वाली इसका नाम है एंटी रिएक्शन एंटी मारकोनिक ऑव रिएक्शन है बेटे और जो ये वही रिएक्शन आपने पढ़ी है इस नंबर ये वही रिएक्शन इस रिएक्शन का नाम है बेटा मारकोनिक ऑव रिएक्शन क्या नाम है इसका मारकोनिक ऑव रिएक्शन मारकोवनी कॉव रिएक्शन नाम है इसका ओके okay, मेरे प्यारे बच्चों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिएगा थैंक यू